साढ़े दस बजे के करीब मैं घर पे आया था, खाना पीना करके मैं सो गया था। अचानक 11:25 के करीब आवाज़ आई बहुत तेज, मैंने बाहर आया। बाहर आके मैंने भाभी जी को जगाया, फिर मैंने ऊपर मेरे भाई हैं उनको जगाया, फिर मेरा भाई डॉक्टर पंकज बोल है उसको बुलाया, तो हम आए तो देखा। अब वैसे मैं मतलब आवाज़ आई तो मैंने ये देखते ही मैंने गया, इसमें आवाज़ आई थी मतलब धीरे धीरे छन छन की सी। फिर बाहर निकलते मैंने देखा बाइक पे दो लड़के भाग रहे थे, और फिर उनका मैंने हमने दो तीन लड़कों ने मिलकर उनका पीछा किया बाइक से। तो हमें वो यहाँ गश्त भी लगी हुई थी नए बाज़ार में। फिर उसके बाद में वो लड़के मिल गए हमें, चारों के चार, चार जने थे वो, और चारों के चारों हमें मिले थे वो। एक ही बाइक पर चार थे? एक ही बाइक पर चार जने थे, और छोटा स्टैंड के पास हमें मिल गए थे। फिर वहाँ उन्होंने ईंट वगैरह ले रखी थी, हाथों में गड़ा वगैरह था, और हमें मारने वगैरह की कोशिश की उन्होंने, तो हम आ गए फिर वहाँ से। फिर रात को 1 बजे के करीब यहाँ प्रशासन पुलिस भी आई थी, और उन्होंने फोटो वोटो ले गए थे। फिर सुबह आप आ जाना, आपकी कार्रवाई कर देंगे। पहले भी ऐसी वारदात हुई है? हाँ, पहले मेरे वार्ड में दो, अभी तीसरी बार वारदात थी। इससे पहले कि 9 गाड़ी तोड़ दी थी, एक बार एक पूरे गाड़ी तोड़ दी थी, अभी मेरी गाड़ी तोड़। स्थानीय प्रशासन से कोई मांग? स्थानीय प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमारे जनप्रतिनिधि, हम भी सुरक्षित नहीं है तो हम क्या जनता की सेवा क्या करेंगे। ये मेरे वार्ड वाले बोल रहे हैं कि भाई आप दोनों इस वार्ड में आप जनप्रतिनिधि सकते हो हमारा, आप भी सुरक्षित नहीं हो, हमारी क्या जरूरत। प्रशासन से ये मांग है, जो भी मैं आपको नामजद में मेरी एफ आई आर करूँगा, उनको आप कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करो, और हमारे वार्ड में मैं नगर पालिका से भी करूँगा कि हमारे वार्ड में 3-4 बार वारदात हुई थी, इसलिए कैमरे की व्यवस्था की जाए। और आसपास के एरिया में हमारे रात को 11:30-12 बजे तक एक बार प्रशासन से करूँगा कि आप गश्त में इस वार्ड में भी लगाएं। गाड़ी तोड़ी गई है साहब, इसके लिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस ये घटना मोहल्ले के अंदर बहुत पहले, आज से करीब 12 महीने पहले भी 5 गाड़ियों किसी से तोड़े गए, ये 6ठी गाड़ी है जी। वो उपद्रव करते हैं लड़के, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनके ऊपर अच्छी से कार्रवाई होनी चाहिए जी। और नगर पालिका से भी हम चेयरमैन साहब से भी ये अरदास करते हैं कि हमारे मोहल्ले में CCTV कैमरा अच्छी तरह लोकेशन पर लगाया जाए, और पुलिस प्रशासन से भी ये करते हैं कि उनको कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले उन पर कार्रवाई नहीं हुई है जी, इसलिए उनका हाव बढ़ गया है।